हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्लाइमेट। इन द लास्ट टू चैप्टर्स यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ आर कंट्री। सेकेंड चैप्टर में हमने इंडिया के डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डिस्कस किया कि अलग अलग जगहों पर लैंडफॉर्म कैसा है, और थर्ड चैप्टर ड्रेनेज में यहाँ के रिवर सिस्टम को देखा। Now these are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. अगर किसी भी एरिया के natural environment को आपको जानना है, समझना है, तो उसके तीन basic elements हैं। सबसे पहले तो वहाँ का landform आप देखेंगे कि land का जो top surface है वो कैसा है, flat land है बिल्कुल या फिर uneven है। दूसरा drainage कि water availability कैसी है, और तीसरा है atmospheric conditions, वहाँ का climate कैसा है। तो अभी इस चैप्टर में जो थर्ड एलिमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप दिसंबर में बुलेंस क्यों पहनते हैं, मई में इतनी गर्मी क्यों लगती है, अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, जून जुलाई में बारिश क्यों होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएंगे, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्लाइमेट है क्या। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 इयर्स। क्लाइमेट और वेदर को हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लाइमेट हम बोलते हैं एक लार्ज एरिया में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, जनरली 30 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा में, वहाँ की एवरेज वेदर कंडीशन कैसी रही है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, किस तरीके से उसमें वेरिएशंस आए हैं, जब हम उसको देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं वहाँ का क्लाइमेट। और वेदर क्या है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक एरिया में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एटमॉस्फेयर कैसा है, गर्मी है, ठंड है, बारिश है, उसे हम कहेंगे वहाँ का वेदर। वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा, एक दिन में 24 आवर्स में ये 3 से 4 बार भी बदल जाता है, और जबकि जो क्लाइमेट है इसको बहुत लंबा टाइम, कई डेकेड लगते हैं बदलने में। तो क्लाइमेट में हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक लार्ज एरिया के एटमॉस्फेयर को देखते हैं, जबकि वेदर में हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है उसकी। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। अभी जो इनके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, वेदर को, एलिमेंट्स इनके दोनों के ही सेम है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इनको अभी डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक जगह पर टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो वहाँ पर एयर है नीचे सरफेस के पास में वो गर्म होगी, गर्म हवा क्योंकि लाइटर होती है, ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, उसके बाद उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए दूसरी जगह से विंड आएगी, हवा चलेगी उस तरफ, अगर उस विंड में ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी। तो ये एक जनरल सा एग्जाम्पल है, बाकी जब डिटेल में देखेंगे तब समझेंगे। तो ये सभी चीज़ें, बारिश होगी तो फिर वहाँ पर ठंड हो जाएगी, वेदर चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, जो कि अफेक्ट करते हैं इनको। यू मे हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा दैट वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, कि एक दिन में भी वेदर कंडीशन बहुत फ्लक्चुएट करती है, अभी गर्मी है फिर बारिश हो गई तो ठंड हो गई, इस तरीके से। बट देर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, लेकिन कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक एक कॉमन पैटर्न रहता है। कुछ महीने गर्मी रहेगी, कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं, वीक्स ऐसे होते हैं जिनमें बारिश ज़्यादा होती है, कुछ मंथ्स में ठंड ज़्यादा होती है, तो लेकिन एक थोड़ा कॉमन सा पैटर्न रहता है वीक्स और मंथ्स तक। जैसे कि कुछ डेज जो हैं वो कूल होंगे, ठंडे होंगे, कुछ दिनों में गर्मी होगी, विंडी हवा बहुत ज़्यादा चलेगी, कुछ डेज जो हैं वो काम रहते हैं, कुछ में क्लाउडी बादल बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ ब्राइट होंगे, सूरज चमकेगा, कुछ वेट होंगे, कुछ ड्राई होंगे, इस तरीके से। तो ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, अगर हम जनरलाइज करें कि कुछ मंथ्स तक एटमॉस्फेयर की कंडीशंस कैसी हैं, हालांकि एक दिन में भी बदल रही है लेकिन जनरल कंडीशन कैसी है, एवरेज कंडीशन कैसी है, तो ईयर को हम डिवाइड कर सकते हैं विंटर में, समर में एंड रेनी सीजन में। जब कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक ठंड ज़्यादा रहती है उसको विंटर सीजन बोलेंगे, गर्मी ज़्यादा रहेगी तो समर और बारिश ज़्यादा रहेगी तो रेनी सीजन। ओके, नाउ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। डू यू नो वॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है एंड वाई इज सो।
और क्लाइमेट ऐसा है क्यों, वी विल लर्न अबाउट दिस, लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, मॉनसून यहाँ पर आपको गिवन है। जो वर्ड है मॉनसून वो डिराइव हुआ है अरेबिक वर्ड मौसम से, मौसम मौसम जैसे हम बोलते हैं ऐसे अरेबिक में एक वर्ड है मौसम, उससे बना है मॉनसून, और मौसम का लिटरल मीनिंग होता है सीजन। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्टिंग डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनसून का मतलब क्या है, क्योंकि पूरे चैप्टर में मॉनसून की बात की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। तो मॉनसून का मतलब होता है, मॉनसून मतलब ये नहीं बारिश, मॉनसून का मतलब है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हैं अर्थ की प्रेशर बेल्ट्स, इनको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, क्योंकि विंड के डायरेक्शन को डिसाइड करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले सेंटर में ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि सनरेज इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा है तो सरफेस के पास में जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, गर्म हवा क्योंकि लाइटर होती है वो ऊपर उठेगी और नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, तो सेंटर में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद ऊपर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके ऊपर ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, नीचे भी वैसे ही, उसके बाद पोल के ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा है तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। दूसरा, विंड की जो डायरेक्शन है, हवा जो बहती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, नीचे लो प्रेशर है हवा नहीं है, तो हाई प्रेशर से आके वो हवा जो है उस खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो मतलब कि यहाँ पर जो विंड बहेगी वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से नीचे इक्वेटर की तरफ बहेगी, ऐसे यहाँ से भी, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, और पोलर रीजन से ऊपर, यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से ऊपर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ। इनको देखते हैं, इनको हम ट्रेड विंड बोलते हैं, फिर ये वेस्टर्लीज हैं, ये ईस्टर्लीज हैं। देखिए ये है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, ये आई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यहाँ पर इक्वेटर की तरफ, और यहाँ पर बनता है ITCZ। ITCZ भी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऐसे यहाँ से साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। अच्छा, ये जो विंड की डायरेक्शन है ये हमेशा ऐसे ही रहती है, जब भी ये ऊपर से आएगी इक्वेटर की तरफ तो ये राइट में शिफ्ट हो जाती है, यहाँ से जाएगी तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है, इसको कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, ये भी हम चैप्टर में शायद है आगे। अभी थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा इमेजिन करना होगा, मान लीजिए अब हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, और घूमती कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इस तरफ वो घूमती है इसके ऊपर हमेशा, अगर हम मैप में देखें इसको, चलो मैप में देखते हैं। देखो ये वर्ल्ड का मैप है, और मैप के ऊपर हमेशा ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, और इधर एक सेकेंड, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो अज्यूम आपको करना है कि ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ कॉन्स्टेंट, ये जो ग्राफ, ये मैप है आपका वर्ल्ड का, ये इस तरफ जा रहा है, कॉन्स्टेंट मूव कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब अगर हवा यहाँ से बिल्कुल सीधी आ रही है, हवा क्योंकि सरफेस के ऊपर बहती है, बिल्कुल लग के तो नहीं बहती नीचे, ऊपर ये बह रही है, और ये नीचे से शिफ्ट हो जाए इधर, थोड़ा सा मैप आपका शिफ्ट हो जाए, जैसे कि अर्थ रोटेट होती है, तो नीचे आते आते थोड़ी सी अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगी, जो एयर यहाँ पर मूव कर रही है, मान लीजिए यहाँ पर मूव कर रही है इंडिया के ऊपर, अब क्योंकि ये नीचे का सरफेस ही शिफ्ट हो गया तो अभी वो इधर आ जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। थोड़ा सा इमेजिनेशन से अगर आप सोचें तो ये समझ जाएंगे आप, इसको कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, बाकी जब टॉपिक आएगा तब हम और अच्छे से समझेंगे। तो ऊपर से जो विंड आती है हमेशा वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अर्थ मूव कर जाती है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसे नीचे से जो विंड आएगी, कोई विंड मान लीजिए यहाँ से बह रही है, तो नीचे का सरफेस ही इधर शिफ्ट हो गया तो वो विंड बाय डिफॉल्ट अपने आप इधर आ जाएगी। अब उसके पहले ये इसके ऊपर थी, अभी ये वाला जो एरिया ये अपने आप खिसक के उसके नीचे आ जाएगा, विंड नहीं शिफ्ट हुई है, अर्थ शिफ्ट हो गई है। क्लियर है? ओके, चलो हम बात कर रहे थे अभी विंड की डायरेक्शन की। तो देखो विंड इस तरीके से मूव करती हैं, लेकिन ये हमने बात की तब जब जो सन था वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर था। तो अगर सन हमेशा यही रहता, कांस्टेंट वो इक्वेटर के ऊपर ही रहता, तो विंड की डायरेक्शन यही रहती हमेशा, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर हम 21 जून की बात करें तो उस टाइम पर जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, शिफ्ट होकर यहाँ पर ही आ जाएगा। तो जब सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ेगी तो वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तब हमने देखा था ये जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ।
अब क्योंकि वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो पूरी ये बेल्ट चेंज हो जाएगी और जो विंड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। जब विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, अगर हम इंडिया को ही देखें, इंडिया देखो यहाँ पर है अभी फिलहाल, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें ये है 30 डिग्री, 23.5, हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीच से उसके जाती है, तो वो यहाँ होगा लगभग कहीं। तो इस केस में जो विंड है वो हमेशा ऊपर से ही आती रहेगी इंडिया की तरफ, तब ऐसा होता है देखो। तो विंड हमेशा ऐसे आएगी, ये हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, जब अर्थ जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं है, और ये जो विंड्स हैं सारी की सारी ये यहाँ पर पूरे सरफेस से आती है क्योंकि, तो इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता और ये यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं करती है। इन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, बिल्कुल सूखी आएगी ऐसे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा ये यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट पर बारिश करती है, क्योंकि ऐसे जब आती है ना मॉइस्चर नहीं है, ऊपर तो पूरा लैंड था, लेकिन जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आएगी, और ये हमने देखा ही है ऊपर से आने वाली विंड हमेशा क्या होती है इस तरफ शिफ्ट होती है, तो बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर उठा लेती है और फिर यहाँ पर बारिश करती है। तो जो तमिलनाडु है उसके कोस्टल रीजन में सर्दियों में बहुत बारिश होती है, तो अगर ये विंड की डायरेक्शन चेंज ना होती एक टाइम पर, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो ऊपर शिफ्ट ना होता, तो विंड हमेशा ऐसे ही बहती रहती और इंडिया में कभी बारिश ही नहीं होती। हम जानते हैं उसके बाद नीचे से ये साउथ वेस्ट से भी फ्लो करना बहना शुरू करेगी विंड्स, जो बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाएगी, और तब वो बारिश करती है विंड्स इंडिया में। इसलिए हम बोलते हैं कि अभी मॉनसून आया है, मॉनसून मतलब बारिश नहीं, मॉनसून मतलब जो सीजनल रिवर्सल हुआ है विंड में, विंड ने जब अपनी डायरेक्शन चेंज की है। देखो इस तरीके से बहती हैं, विंटर सीजन में ऐसे आती है विंड्स और फिर समर सीजन में ऐसे जाती है, जो फिर जून जुलाई में मानसून आता है ना वो बारिश करता हुआ जाता है, क्योंकि वो नीचे से आई है, नीचे क्योंकि समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, तो बहुत सारा मॉइस्चर उनमें होता है। तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड आप समझ गए। मॉनसून क्या होता है, विंड इस तरीके से बह रही होती है जब प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, ऊपर हाई प्रेशर जोन है, हाई से लो की तरफ बहेगी, और प्रेशर जोन को क्रिएट करने में सनरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी जाती है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब अर्थ मूव करके इसके चारों तरफ घूम के, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, एक टाइम ऐसा आता है जब सन जो है वो इक्वेटर से हट के ऊपर, और कई बार ऐसा भी होता है नीचे भी तो जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी होता है, टॉप पर भी होता है साल के कुछ दिनों में। तो उस टाइम पर ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं सारी प्रेशर बेल्ट चेंज हो जाती है, ये जो ITCZ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर नॉर्थ विंड और साउथ विंड कन्वर्ज होती है, ये पूरा एरिया ही चेंज हो जाता है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एक टाइम पर, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे जो विंड्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। और इन सीजनल जो रिवर्सल होता है विंड में, उन्हें हम कहते हैं मानसून। ओके चलिए अभी अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा जो क्लाइमेट है इंडिया का उसको मानसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है, क्योंकि जो सीजनल रिवर्सल है विंड का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहाँ का मौसम कैसा होगा। एशिया में दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। अब साउथ एशिया क्या है, साउथ ईस्ट एशिया क्या है, देखिए ये जो ग्रीन कलर से शो की गई है ये सारी है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज, और ये है साउथ एशिया की कंट्रीज। इंडिया भी साउथ एशिया में आता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सभी साउथ एशिया में आएंगे। तो साउथ एशिया की और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उन सभी का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टेबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। अभी हमने देखा कि जो विंड है, हवा है, वो पूरे देश के ऊपर एक ही डायरेक्शन से बहती है, उनका एक जनरल पैटर्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल सेम है। इसके बाद भी आपको बहुत ही ज़्यादा रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलेंगे देश में क्लाइमेटिक कंडीशंस में। लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो क्लाइमेट के दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। बारिश कितनी होती है किसी जगह पर और टेम्परेचर कितना है, गर्मी सर्दी कितनी है, और एग्जामिन करते हैं कि ये कैसे वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। तो देखिए समर में द मर्करी ओकेजनली टचेज 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट। राजस्थान के डेजर्ट में, रेगिस्तान में, कुछ जगहों पर गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, जबकि उसी टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो जो टेम्परेचर है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में डेजर्ट की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर
रेत बहुत ज्यादा होती है, सैंड बहुत ज्यादा होती है, और सैंड का क्या है कि वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है, ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। तो दिन में जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ेगी, गर्म हो जाएगी, उसके बाद उस हीट को रेडिएट करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए 50 डिग्री सेल्सियस है। और दूसरा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ऑल्टीट्यूड पर। किसी पहाड़ पर आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड पर है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ओके, ऑन अ विंटर नाइट, अभी बात करते हैं सर्दियों की। तो सर्दियों की किसी विंटर नाइट में टेम्परेचर जो है द्रास में, जम्मू एंड कश्मीर में, वो -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट के भी इतना नीचे चला जाएगा। जबकि तिरुवनंतपुरम में ऑन दी अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। उसी टाइम पर विंटर सीजन में ही तिरुवनंतपुरम, अब है कहाँ देखो, ये कैपिटल है केरला की, यहाँ पर है। जो भी प्लेसेस सी के पास में होते हैं या फिर किसी वाटर बॉडी के पास में होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है। पानी जो है वो लैंड के कंपैरिजन में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जो भी प्लेसेस यहाँ पर कोस्टल एरिया के पास में होंगे, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लग सकती है ह्यूमिडिटी की वजह से, लेकिन टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। और जैसे ही आप अंदर जाते जाओगे लैंड पर, लैंड क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में कम हीट की ज़रूरत है उसको, उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसको गर्म करने के लिए। और जब गर्म हो जाएगी, सूरज की किरणें पड़ी, तो पानी देर से गर्म होगा, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, उसके बाद हीट को रेडिएट करने लगेगी, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसे ही रात के टाइम में जब सूरज की किरणें नहीं है तो ठंडी भी जल्दी हो जाएगी, वाटर के केस में ऐसा नहीं है। चलिए, होपफुली ये क्लियर हो। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे विंड के जनरल पैटर्न के बाद भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशंस हैं। दो एग्जांपल्स हमने देख लिए, एक ही टाइम पर इंडिया में दो अलग अलग प्लेसेस में कितना डिफरेंस है टेम्परेचर में, ये फैक्ट देख लेते हैं। इन सर्टेन प्लेसेस देर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कुछ जगहों पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है। जैसे कि थार डेजर्ट की अगर हम बात करें, टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस, दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट। रीज़न हम देख चुके हैं, अगेन वही है, सैंड है वहाँ पर, डेजर्टिक एरिया है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, हीट को रेडिएट करेगी, और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए रात में ठंड भी ज़्यादा ही होती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, देर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और केरला। वही है कि यहाँ पर आता है मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। अंडमान निकोबार के पास में भी बे ऑफ बंगाल है चारों तरफ, ऐसे ही केरला में भी, ये कोस्टल एरिया में है, तो यहाँ पर आपको दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नाउ लेट अस लुक एट प्रेसिपिटेशन, अभी हम प्रेसिपिटेशन को देखते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश का होना। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसमें भी, नॉट इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिर्फ ये नहीं कि कहीं ये इसकी फॉर्म डिफरेंट है, कहीं पर स्नोफॉल हो रही है, कहीं पर पानी बरस रहा है, फॉर्म में तो डिफरेंस है ही, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन और अमाउंट, कितना पानी बरस रहा है कहीं पर, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज को आप देखेंगे ऊपर, तो ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेशन है स्नोफॉल की फॉर्म में होता है, जैसे ही बूंदें नीचे आती है वो जम जाती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है नीचे का। बाकी पूरी कंट्री में आप देखेंगे तो बारिश होती है, पानी बरसता है। दी एनुअल प्रेसिपिटेशन वैरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस इन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। अब देखिए कितना डिफरेंस है मेघालय की अगर हम बात करें, मैप में देखते हैं इसको। देखिए ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप, और कहा गया है कि वेस्टर्न राजस्थान में, यहाँ पर जो इसका डेजर्टिक पार्ट है, और लद्दाख में जो प्रेसिपिटेशन है, बारिश है, वो 10 सेंटीमीटर से भी कम है। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जनरली पूछते हैं कि बारिश को हम सेंटीमीटर में कैसे मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक बॉक्स ले बड़ा सा, 1 मीटर स्क्वायर का आपने ऐसे एक बॉक्स लिया, उसको आपने रख दिया राजस्थान में या फिर लद्दाख में, और पूरे साल जो बारिश हुई है आप उसका पानी उसमें इकट्ठा करते रहे, तो एक साल के बाद इस बॉक्स के अंदर 10 सेंटीमीटर हाइट तक का पानी कलेक्ट हो जाएगा। ओके, या फिर दूसरा अगर एग्जाम्पल दें, मान लीजिए दिल्ली में आप कहते हैं कि 50 सेंटीमीटर बारिश हुई है, 50 सेंटीमीटर पर एनम का प्रेसिपिटेशन है। अगर आपको दिल्ली का एरिया पता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दे उसके एरिया से, तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा जो कि बरसा है एक साल में दिल्ली में। ओके, तो इस तरीके से हम जो प्रेसिपिटेशन है उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं।
तो एनुअल जो प्रेसिपिटेशन था मेघालय में 400 सेंटीमीटर था, बहुत ज़्यादा बारिश थी। ये मेघालय है सबसे ज़्यादा जो रेनियस्ट प्लेस है, मौसिनराम वो भी यहीं पर है। और लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम है, राजस्थान में और लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, और ये सीजनल भी है। ज़्यादातर जो पार्ट्स में बारिश होती है वो जून से सेप्टेम्बर में होती है। अच्छा, इसका इन्होंने रीज़न नहीं दिया। रीज़न अगर हम देखें तो जो यहाँ से मानसून विंड्स आती है ना, हमने देखा था इंडिया में जो बारिश होती है ऊपर वाली विंड तो ज़्यादा बारिश नहीं करती, बस यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट पर करती है। नीचे से जो हवाएं चलती है इनको हम साउथ वेस्टर्न विंड्स बोलते हैं। ये हवाएं मॉइस्चर लेके जाती है अपने साथ, और यहाँ पर इस वाले पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इनको बहुत सारे बैरियर्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हिल्स हैं यहाँ पर, उनसे टकराती है और बारिश करती है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें राजस्थान में, यहाँ पर अरावली है, और अरावली कुछ इस तरीके से है, वो बिल्कुल पैरेलल है इन विंड की जो डायरेक्शन है उनके, तो विंड बिल्कुल उनके पैरेलल ऐसे निकल जाती है, टकराएगी नहीं तो बारिश कैसे होगी। इसके ऑपोजिट अगर ये अरावली इस तरीके से होती, मान लीजिए ये होता अरावली माउंटेन, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती इस एरिया में, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता, खूब सारी नदियाँ बहती यहाँ पर। बट अभी क्योंकि ऐसा है नहीं, जो माउंटेन्स हैं उनकी सेम पैरेलल डायरेक्शन है विंड के, तो इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ओके, चलिए आगे कहा गया कि ज़्यादातर जो बारिश है वो जून टू सितंबर में होती है। ये तो हमने देख लिया, क्योंकि उस टाइम पर जो विंड है वो रिवर्स होती है और यहाँ से बहना स्टार्ट करती है, वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है। इससे पहले जो विंड थी वो ऊपर से आ रही थी, क्योंकि ऊपर लैंड ही लैंड है, कहीं वाटर बॉडी है नहीं, तो उनको मॉइस्चर इकट्ठा करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ पर बारिश नहीं करती। थोड़ी सी बारिश बस जस्ट यहाँ से घूम कर आती है, तो तमिलनाडु के कोस्ट पर होती है। ठीक है, बट सम पार्ट्स लाइक, अच्छा वो आई गैस में, सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर। लेकिन तमिलनाडु में ज़्यादातर जो बारिश है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है, वो भी हमने रीज़न देख लिया। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है मानसून का, ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड पर ही बेस्ड है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सब बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। ये भी हम देख चुके हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत कम होती है, क्योंकि पास में समुद्र है और जो सी है उसका एक मॉडरेटिंग इफेक्ट आता है जितने भी कोस्टल रीजन में एरियाज हैं उन पर। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री। कंट्री में अगर बीच में आप देखेंगे वहाँ पर सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होते हैं, गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है, इन एरियाज़ में ऐसा नहीं होता। देर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ आएंगे तो रेनफॉल भी कम है। एक तो देख लिया हमने कोई बैरियर नहीं मिलता, जो विंड आई है मॉइस्चर लेके उनको, जिससे वो टकराए और फिर बारिश हो। और दूसरा, जो अगर यहाँ से भी ये विंड आएगी तो ये ऑलरेडी बारिश कर चुकी होती है, ड्राई हो चुकी होती है। दीज वेरिएशंस हैव गिवन टू राइज टू वेराइटी इन लाइफ्स ऑफ पीपल। अब जैसा जहाँ का टेम्परेचर है, जिस तरीके से बारिश होती है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा, तो उस तरीके से लोगों के रहने सहने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है। क्या फूड वो खाते हैं, क्या ग्रो होगा वहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग उनकी फूड हैबिट हो जाएगी। कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं फिश ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि पास में सी है, वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। कैसे वो क्लोथ्स पहनेंगे वो भी डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ये तो जनरल चीज़ें हैं। ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन, और किस तरीके के हाउसेज में वो रहते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ। राजस्थान में जो घर होते हैं, एक तो ज़्यादातर मड़ के, मिट्टी के बनते हैं, ईंटों के जनरली नहीं बनते, और जो उनकी वॉल है वो थिक होती है और फ्लैट रूफ होती है। वॉल थिक होती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ताकि अंदर तक जो हीट है वो फील ना हो लोगों को। दूसरा, तराई रीजन में, गोवा में, मैंगलोर में जो हाउस है उनकी स्लोपिंग रूफ की होती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, बारिश हो तो पानी जो है वो सीप करके नीचे आ जाए, इसीलिए ऊपर अगर फ्लैट रूफ होगी तो ऊपर पानी रुका रहेगा और घरों में सीलन ज़्यादा आएगी। नाउ जो आसाम में घर है वो स्टिल्ट पर क्यों बनते हैं? आसाम में बारिश ज़्यादा होती है, ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर है, थर्ड चैप्टर में हमने देखा उसमें फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोग स्टिल्ट पर, स्टिल्ट मतलब नीचे ऐसे बांस लगा देते हैं या फिर सीमेंट के बना देंगे पिलर्स को, उनके ऊपर अपने घर बनाते हैं, ताकि फ्लड जनरली क्योंकि आती रहती है बाढ़, उसका ज़्यादा इफेक्ट उन पर ना हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल। सो देर आर सिक्स मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह के क्लाइमेट को छह मेजर फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, और वो फैक्टर्स कौन से हैं, दे आर, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, ऊपर आप जाएंगे एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल,
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कोई भी प्लेस किस लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, एक तो उससे डिसाइड होगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। अगर वो बीच में है तो गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पर सनरेज बिल्कुल सीधी आती है, जितना ऊपर आप जाते जाएंगे स्लांटिंग जाएगी सूरज की जो किरणें हैं तो ठंड बढ़ती जाएगी। जैसे कि पोल्स को अगर हम देखें हमेशा ही बर्फ़ से ढके रहते हैं। उसके बाद दूसरा फैक्टर है ऑल्टीट्यूड, मतलब कि वो प्लेस कितनी हाइट पर है। अगर हम किसी माउंटेन को देखें, जितना आप उसके ऊपर जाते जाते हैं उतना ही जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। तो दूसरा ऑल्टीट्यूड डिसाइड करता है उसकी क्लाइमेट को। तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि किन प्रेशर बेल्ट्स के बीच में है, विंड सिस्टम कैसा है। इनफैक्ट इंडिया का तो जो पूरा क्लाइमेट है वो विंड सिस्टम ही डिसाइड करता है। विंड का जो सीजनल रिवर्सल होता है उसी के नाम पर यहाँ के क्लाइमेट का नाम रखा गया है कि ये मानसून टाइप का क्लाइमेट है। तो विंड सिस्टम और प्रेशर भी डिसाइड करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसको हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं। सी के अगर पास में है तो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे दिन और रात के टेम्परेचर में। जितना उससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर हम ऊपर आए कॉन्टिनेंट के बीच में, तो वहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी, सीजन में भी और डे और नाइट में भी। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी। उसके बाद है ओशन करंट्स, इनको हम देखेंगे अभी जब टॉपिक आएगा। एंड रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर मतलब कि जो लैंड है वो कैसी है, वहाँ पर किस टाइप की है। चलिए अभी इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर मतलब अर्थ का जो एक तरीके से शेप है, यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, वैसे जियोइड है शेप में, उसकी वजह से द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वैरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। किस लैटिट्यूड को कितनी सोलर एनर्जी मिलती है वो बहुत वैरी करता है। जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, जबकि अगर हम 90 डिग्री की बात करें नॉर्थ या साउथ, यहाँ पर एकदम स्लांटिंग जाती है सनरेज, बिल्कुल तिरछी किरणें जाती है, तो ज़्यादा हीट यहाँ पर नहीं मिलती, ज़्यादा सोलर एनर्जी इन प्लेसेस को नहीं मिलती। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जो एयर टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, बहुत डिटेल में अभी नहीं बताया, अभी बस टॉपिक आपको समझना है कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती है क्लाइमेट को। दूसरा है ऑल्टीट्यूड, तो जैसे आप अर्थ के सर्फेस से हायर ऊंचाई पर जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, एटमॉस्फेयर जो है लेस डेंस हो जाता है, एयर जो है कम डेंस हो जाती है, उसमें जो डिफरेंट गैसेस हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, तो आपने देखा होगा समर्स में इसीलिए लोग घूमने जाते हैं हिल स्टेशंस पर, क्योंकि वो कूलर होती है। कूलर क्यों है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। प्रेशर किस प्रेशर बेल्ट में कौन सा प्लेस है और किस टाइप की विंड वहाँ पर बह रही है वो डिपेंड करता है किस लैटिट्यूड पर वो है, किस हाइट पर वो है। डज इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, तो वो उसके टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है और रेनफॉल पैटर्न को भी। जैसे कि टेम्परेचर को कैसे, हमने देखा कि ऊपर से जो विंड आती है वो हमारे यहाँ पे बारिश नहीं करती क्योंकि लैंड से आती है, लेकिन यहाँ पर हिमालय है इंडिया की अगर हम बात करें, इस वजह से ठंड कम होती है यहाँ पर विंटर सीजन में, क्योंकि वो विंड्स आती है साइबेरिया से आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो हिमालय उनको ब्लॉक कर लेता है, रोक लेता है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाती। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर होती। तो ये जो विंड है ये टेम्परेचर को भी अफेक्ट करती है और रेनफॉल को तो करती ही है, अगर आई है यहाँ से नीचे से किसी वाटर बॉडी से तो मॉइस्चर को लेकर आएगी और खूब सारी बारिश करेगी। द सी एग्जर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, सी भी क्लाइमेट पर एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है, हमने देखा। इसका रीज़न भी हमें पता है क्योंकि सी में पानी है, पानी देर से गर्म होता है देर से ठंडा होता है इसीलिए। सो द पीपल एक्सपीरियंस, एक सेकेंड, फ्रॉम द सी एग्जैक्ट, ओके यहाँ पर थे, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिक्रीजेस, तो जैसे जैसे सी से डिस्टेंस कम होती रहती है, आप सी के पास में आते रहते हैं, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस, उसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो कम, सॉरी, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी आप दूर जाते जाएंगे तो उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट कम होता जाएगा और लोग जो है एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसा कि नॉर्थ इंडिया में होता है। जबकि साउथ इंडिया में, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेसेस हैं वो सी के पास में ही है, उनका उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। सो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके आसपास में कोई वाटर बॉडी नहीं है, सी नहीं है, कोई ओशन नहीं है, वो समर्स में गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा और विंटर्स में ठंडे होते हैं।
अब बात करते हैं ओशन करंट्स की अलोंग द ऑन शोर विंड, ये देख लेते हैं ऑन शोर एंड ऑफ शोर विंड। देखिए विंड जब सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है उसे बोलते हैं ऑन शोर फ्लो, और इसके ऑपोजिट जब वो लैंड से सी की तरफ आती है उसे कहते हैं ऑफ शोर फ्लो। ये क्यों होता है इसको भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के नाम से टॉपिक था एक। तो कहा गया कि ओशन करंट्स जो ऑन शोर होते हैं यानी कि इधर से इधर जाते हैं, अच्छा पहले करंट देखते हैं। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स दिखाए गए हैं, जैसे ये पेरुवियन करंट है, ये बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर बट होपफुली कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, करंट के नाम आपको अभी याद नहीं रखने हैं। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, इधर से कैलिफोर्नियन करंट आया, ये कैनेडियन करंट है, तो ये सभी कोल्ड करंट है। अब कैसे पता लगा कोल्ड करंट है, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पोल्स और पोल्स से अगर ये इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, पोल्स ठंडे होते हैं ऑब्वियसली, तो जो इनमें वाटर होगा वो ठंडा होगा, तो कोल्ड करंट है। और दूसरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को, ये सारा डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, सभी के सभी डेजर्ट कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट पर है। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप देखें थार डेजर्ट वेस्ट की तरफ है। तो होता क्या है, ये करंट जब फ्लो करते हैं और विंड ऑनशोर होती है, यहाँ से जाएगी वो लैंड की तरफ, तो वहाँ पर एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। जैसे कि इंडिया में भी विंटर्स में बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर रहता है, विंड जो है बहुत ठंडी रहती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ डिसेंड होती है, और अगर बारिश नहीं होगी करंट अपने साथ ठंडी हवा लेकर आए, जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, और हाई प्रेशर हुआ तो बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो क्या बन जाएंगे, डेजर्ट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से ओशंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करने में। वही यहाँ पर लिखा गया है लैंग्वेज में कि जो ओशन करंट्स हैं अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स, ऑनशोर मतलब जबकि पानी से विंड जा रही है लैंड की तरफ, वो अफेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी कोस्टल एरिया होगा विद वार्म एंड कोल्ड करंट्स जो फ्लो करता है उनके पास से, पास्ट इट विल बी वार्म, वो गर्म हो जाएगा या फिर ठंडा हो जाएगा इफ विंड्स आर ऑनशोर, अगर विंड्स जो हैं वो ऑनशोर विंड्स हैं। अभी ये फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन दिया पूछा हुआ है कि ज़्यादातर जो वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न मार्जिन पर ही क्यों हैं कॉन्टिनेंट्स के, इसका हमने देख लिया रीज़न क्या है, आगे आते हैं। नाउ फाइनली रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। रिलीफ कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड करने में। हाई माउंटेन्स एक्ट्स एज बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स। इंडिया के एग्जाम्पल में फिर से वही आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि हिमालय की अगर हम बात करें, ऊपर से आने वाली जो साइबेरियन विंड्स हैं उनको वो रोकते हैं, एक बैरियर की तरह खड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ हमारे नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है विंटर्स में बहुत एक्सट्रीम लो नहीं होता है। तो एक तो वो बैरियर का काम करते हैं गर्म हवाओं के लिए भी ठंडी हवाओं के लिए भी। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। ये इसका भी एग्जाम्पल हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट साइड में बारिश इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर माउंटेन्स हैं, इस तरीके से है सभी, तो जैसे रेन बियरिंग विंड्स, रेन बियरिंग मतलब विंड्स जिनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, जैसे वो जाएंगे उनसे टकराएगी और बारिश हो जाएगी। और यही रीज़न है कि राजस्थान के एरियाज में बारिश नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो अरावलीज हैं वो बिल्कुल उनके पैरेलल है, रेन बियरिंग विंड बिल्कुल उनके पैरेलल निकल जाती है, कोई उनको बीच में बैरियर नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं होती। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। लीवर्ड साइड किनको बोलते हैं, माउंटेन में दो साइड्स होती हैं, विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड मतलब जिधर से विंड आ रही है, तो विंड यहाँ से टकरा के इधर ही बारिश कर देगी, और लीवर्ड साइड होती है विंड की डायरेक्शन की दूसरी साइड, इधर वाली साइड, तो लीवर्ड साइड जो है वो रिलेटिवली ड्राई रहती है। इस तरीके से कोई प्लेस लीवर्ड साइड में है, विंडवर्ड साइड में है, वहाँ पर कोई रिलीफ फीचर ऐसा है, कोई बड़ा माउंटेन है या नहीं, उससे भी अफेक्ट पड़ता है कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। होपफुली सभी जो ये टॉपिक्स हैं थोड़े बहुत आपको क्लियर हो गए होंगे, बाकी आगे और भी डिटेल में है, आगे इंडिया के कंटेक्स्ट में है कि किस तरीके से लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड इंडिया का है जो अफेक्ट कर रहा है यहाँ के क्लाइमेट को। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।